नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम उनको कम्प्लीटली कवर करेंगे, और साथ ही साथ संडे का जो भी करंट अफेयर्स रहा होगा 19 सितंबर का, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों या फिर छात्रों की शिक्षा के लिए नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बायजूस। रिसेंटली क्या हुआ है, जो नीति आयोग है इसने क्या किया है, भारत में जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए जो पढ़ाई का जो प्लेटफॉर्म है बायजूस, उसके साथ में समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम इन दोनों के बारे में बातें जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है और बायजूस क्या है। सबसे पहले तो आप यही बात याद रखेंगे कि नीति आयोग ने प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा के लिए बायजूस के साथ में समझौता किया है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें कि नीति आयोग है क्या। देखिए बात है 2015 की, 2015 से पहले भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के लिए योजना आयोग लाते थे। पहले पंचवर्षीय योजनाएं आती थी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, जिनको हम बोलते थे योजना आयोग। तो 2015 में इस योजना आयोग को हटाकर नाम क्या रख दिया गया इसका, नीति आयोग। नाम क्या रख दिया इसका, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी वर्ष 2015 में, मतलब आज से लगभग 6 वर्ष पहले। ठीक है, इस नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब इंडिया को चेंज करने वाला एक संस्थान। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जब भी नीति आयोग की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इनके कौन है, सीईओ। ठीक है, यदि हम बात करें बायजूस के बारे में, तो बायजूस एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन स्टडी करवाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर, बेंगलुरु में, और इसके जो सीईओ और संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, बायजूस रविचंद्रन। तो इन्होंने के द्वारा वर्ष 2011 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी, और इन दोनों के बीच में भी हाल ही में क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। तो ये सभी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैफ अली जुनेजा को किस सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत की जो ये महिला हैं जुनेजा, सैफ अली जुनेजा, इन्हें रिसेंटली अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की सुरक्षा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए इनके बारे में कुछ बातें अपन जान लेते हैं। सर्वप्रथम तो आप यही बात याद रखेंगे जो मैंने आपसे कही है, ये वाली, ठीक है, कि इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सैफ अली जुनेजा जी को। इस पद को या इस पद का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन नागरिक संगठन विमान की सुरक्षा समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा काम करने वाला भारत 12 साल में इस जिम्मेदारी को संभालने वाला राष्ट्र बन गया, मतलब 12 साल के बाद में भारत को ये अध्यक्षता दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को हम इंजीनियर दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं इस दिवस को लेकर। देखिए सबसे पहली बार यह दिवस 1968 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1968 में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि यह दिवस
मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती की याद में मनाया जाता है, क्योंकि ये भारत के पहले इंजीनियर थे। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाते हैं। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 मार्च। यदि भारत का पूछे कि राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, तो आंसर क्या होगा, 15 सितंबर। और यदि विश्व स्तर पर आपसे प्रश्न पूछे तो आंसर क्या होगा, 4 मार्च। दोनों ही बातें आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ये बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि 16 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। देखिए 15 और 16 दोनों कंटिन्यूस पढ़ते हैं, 15 को हमने मना लिया इंजीनियर दिवस, तो 16 को हम मनाते हैं ओजोन परत दिवस। प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाते हैं। तो ये बात हमें इसमें याद रखना है, क्योंकि ये वाला जो डे है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। सर्वप्रथम, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा के द्वारा 1994 से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि 16 सितंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, तो विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, 1994 में। किसके द्वारा स्टार्टिंग की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका इसमें कि वर्ष 2021 की थीम या विषय क्या है इसके लिए। तो विषय क्या है इसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, हमें हमारे भोजन और टीके को ठंडा रखना है। ठीक है, क्योंकि ओजोन क्या काम करती है कि सूर्य से जितनी भी हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रिफ्लेक्ट करती है, ना कि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में अंदर आने देती है। तो उस चीज़ हीट को से हमें अपनी सुरक्षा करना है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडे वाले शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर ओजोन क्या है। यदि जो लोग नहीं जानते हैं ओजोन क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, मतलब O3 क्या कहलाता है, ओजोन। ऑक्सीजन के हम 3 परमाणु यदि एक साथ लिख देते हैं तो वह चीज़ क्या कहलाती है, ओजोन कहलाती है। यह एक प्रकार की गैस है जो वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यदि हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उस एटमॉस्फेयर में ये वाली गैसेस बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं, या हम कहें कि समुद्र के तट से सी का जो लेवल होता है उससे यदि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे लगभग 30 या 32 किलोमीटर, या आप बोल सकते हो 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस गैस की अधिकता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर एक ओजोन लेयर होती है, जो क्या काम करती है, सूर्य से जितने भी हानिकारक अल्ट्रावेव से या फिर हमारी पराबैंगनी किरणें आती है उनको रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, या फिर उनको सोख लेती है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में उनको नहीं आने देती है। मतलब ये हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इतनी बातें इसमें आपको स्पेशली याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा T+1 ट्रांजेक्शन सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया गया या शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेबी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये सेबी है क्या। देखिए हाल ही में सेबी ने वैकल्पनिक आधार पर शेयरों के लेन देन के लिए T+1 सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। ठीक है, ये T+1 ट्रांजेक्शन सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। किसके द्वारा की गई है, सेबी के द्वारा। अब ये सेबी क्या है, देखिए सेबी एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल सन 1988 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। मुंबई के अतिरिक्त इसके 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं अहमदाबाद में
स्थित है। तो ये बातें आपको इसमें याद रखना है। नई दिल्ली कहाँ पड़ती है? उत्तर भारत में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम भारत में। चेन्नई कहाँ पड़ती है? साउथ इंडिया में। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? पश्चिम में। मतलब चारों दिशाओं में क्या है इसके क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित हैं। ठीक है, किसके? सेबी के। ये इंडिया की एक संस्था है जो कि क्या करती है, सुरक्षा करती है एक्सचेंज की। ठीक है, जो भी शेयर का एक्सचेंज होता है उसको ध्यान में रखकर उनका सुरक्षा का दायित्व होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत। हाल ही में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अब भारत में ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित होगी, तो इसके बारे में हम बातें जान लेते हैं। 7 वर्षों के बाद में अंतरराष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में कहाँ होगी? श्रीनगर में। कहाँ पे की जाएगी? श्रीनगर में। यह प्रतियोगिता श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्ड कोर्स में आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे एक शब्द आया है कोर्स। कोर्स क्या होता है? वह मैदान होता है जहाँ पर गोल्फ को खेला जाता है। ठीक है, तो ये श्रीनगर के कौन से वाले कोर्स पे खेला जाएगा? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। ठीक है, यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कुल गोल्फ के 6 कोर्स हैं, जिसमें से 3 श्रीनगर में स्थित हैं और 3 कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू में। ठीक है, और इस पूरे टूर्नामेंट में देश और विदेश से लगभग 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल में केवल इतनी बात याद रखना है कि इस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया का यदि अंदर क्वेश्चन पूछे तो कौन करेगा? श्रीनगर। ठीक है, नंबर ऑफ जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह कितने हैं? 125। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा देश है? मतलब हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन से देश का है, ये बात पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भारत क्या हो गया, 5वें स्थान पर आ गया है, शुरू से पहले से लेके 5वें स्थान पर। यदि आपसे पूछेंगे पहले स्थान पे कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का पहला स्टॉक मार्केट है और भारत इसमें कौन से नंबर पे पूरी सीरीज में? 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है या इसको किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब भारत के स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। स्नूकर क्या है? एक खेल है जो एक टेबल पर इस प्रकार से खेला जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी ये बॉल्स होती हैं और स्टिक की सहायता से इसको खेला जाता है। तो उसी खेल का नाम क्या होता है? स्नूकर। और इसको हाल ही में किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले जो हमारे गृह मंत्री हैं, इनका नाम क्या? अमित शाह, होम मिनिस्टर। ये अभी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दौरे के लिए आए थे। ठीक है, अपनी यात्रा करने के। तो वहाँ पे उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, उज्ज्वली जो योजना है उज्ज्वला, उसके दूसरे वाले चरण का उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन 2021 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? पहली बात तो आप याद रखेंगे, ये जो 2021 की बैठक है ये कौन से नंबर की है? 21st, मतलब 21वें नंबर की ये बैठक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बैठक है ये वर्चुअली हुई है, मतलब कोई भी यहाँ का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो किसी एक स्थान पर इसको करने नहीं गए, लेकिन मेजबानी किसी पर्टिकुलर कंट्री ने की है,
लेकिन हुई कैसे, ये वर्चुअली ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी है, जो आयोजन स्थल है, वह कहाँ है? कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है दुशानबे, वहां पर इसका आयोजन या इसकी मेजबानी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में और बातें हम डिटेल से जान लेते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी, इसका नाम क्या है? दुशानबे में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 21वीं बैठक में वर्चुअली रूप से भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में जो भारत के विदेश मंत्री हैं S. जयशंकर, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, यदि आपसे पूछें कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है, इमो माली रहमान, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, यदि हम बात करें SCO की स्थापना की, तो वर्ष 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन बीजिंग में। ठीक है, और वर्ष 2017 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बन गया था। कब? 2017 में। तो हम यह कह सकते हैं क्या, 2017 से 2021 तक भारत चौथा ऐसा या चार बार ऐसा टाइम हो चुका है जिसमें वह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि 2017 में इसको पूर्णकालिक सदस्यता दी गई। कहाँ पर? SCO में। तो तब से ये चौथा ऐसा वर्ष है जिसमें भारत पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इसमें भाग ले रहा है। भारत इसमें पहली बार कब जुड़ा था? 2016 में अस्थायी सदस्य के रूप में जुड़ा था, लेकिन 2017 में इसे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में मान्यता दे दी गई। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है कल की करंट अफेयर्स का उत्तर। तो मैंने आपसे परसों सैटरडे के दिन पूछा था कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1953। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिशों एवं तात्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखना, और ये शेष पॉइंट है ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके लिए क्या है। आज का प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 45वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या फिर कहाँ पर हुआ है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सेकंड है नई दिल्ली, थर्ड है गांधीनगर और फोर्थ है पुणे। तो इन चार ऑप्शन में से आपको किसी एक क्वेश्चन को पिक करके, कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और इस जो कंप्लीट PDF है जो कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, उसका जो आंसर की है वह आपको ये सामने हमने दे दी है। आप इसको यहाँ पर से चेक करके एक बार अपने सभी आंसर को चेक कर सकते हैं टिक करके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।